वैसे फोन परचेज करने के टाइम पर फोन के साथ ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लिए और हमारे फोन के लिए सबसे ज्यादा मस्ट है? अगर आपने गैस कर लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ ये फोन के बारे में, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि 10 में से 8 लोग अपने फोन में ईयरफोन इस्तेमाल करते ही हैं। और अब तो कंपनियां फोन सस्ते करने के चक्कर में उन्होंने ईयरफोन को देना ही बंद कर दिया है। तो अगर आप ईयरफोन खरीदते हैं तो मार्केट में जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे ईयरफोन परचेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जानते नहीं है, और जल्दी से बेकार ईयरफोन ले आते हैं। तो आपके लिए और आपके फोन के लिए, दोनों के लिए जो कि बेकार, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे 5 ईयरफोन जो कि 500 के अंडर आते हैं, काफी ज्यादा कमाल के ईयरफोन है। अगर आप कोई ईयरफोन परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार जरूर से पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे पास में टेक चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जनरली अगर हम जाते हैं किसी शॉप पर तो हम ईयरफोन को खरीदने से पहले ईयरफोन में क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि ये इनका साउंड अच्छा हो, लेंथ अच्छी हो वायर की, और ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इस ये ड्यूरेबल हो, क्योंकि बहुत से ऐसे ईयरफोन होते हैं जो बहुत ही जल्दी बेकार हो जाते हैं। मैं आपको ऐसे ईयरफोन बताऊंगा इस वीडियो में जो आपके लिए साउंड भी अच्छा देंगे और लेंथ भी अच्छी होगी और ड्यूरेबल भी होंगे। मैं अपनी लिस्ट चालू करूंगा यहाँ पे 5वें नंबर से लेकर के पहले नंबर तक, मतलब नीचे से हम ऊपर की साइड चलेंगे। लेकिन लिस्ट चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दें। तो मैंने अपनी लिस्ट में जो नंबर 5 पे ईयरफोन रखे हैं वो रखे हैं बोट के बास है 225 ईयरफोन। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी ज्यादा कमाल के ईयरफोन होते हैं। सबसे अच्छा इसका बेस है, लेंथ वायर्ड भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, और अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ काफी ज्यादा कमाल की है। प्राइस आपको 599 रुपीज में देखने को मिल जाएगा, 599 में ये प्राइस में देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑफर के टाइम पर ये आपको 500 रुपए में देखने को मिल जाते हैं, तो काफी ज्यादा कमाल की है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एल साइज के साथ आते हैं, मतलब क्या होता है, वैसे आप अपने सीधे वाले ईयरफोन लेते हो तो अपनी पॉकेट में रखते तो हिल करके आपका जो हेडफोन जैक होता है वो बहुत जल्दी बेकार हो जाता है और ईयरफोन बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट होने लगता है। इसमें आपको एल साइज की सेम मिलती है, जिससे कि आपके अगर पॉकेट में भी ये रखा रहेगा तो हिलेगा इधर उधर, तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैंने अपनी लिस्ट में ये नंबर 5 पे रखे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाकर के बोट के पास है 225 ईयरफोन। बढ़ते हैं अगले ईयरफोन की तरफ, जो मेरी लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है वो आता है JBL का 6250 HI। काफी ज्यादा कमाल के ईयरफोन होते हैं JBL के भी, क्योंकि इसमें आपको JBL की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। JBL काफी ज्यादा अच्छे ईयरफोन लॉन्च कर रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ। इस ईयरफोन की जो प्राइस है वो 469 रुपीज प्राइस है। जी हाँ फ्रेंड, ये आप ईयरफोन खरीदना चाहते हो तो आपको इसमें 470 रुपए पे करने पड़ेंगे। और इस फोन में आपको लेंथ वाइड भी अच्छा मिलता है, 10mm के ड्राइवर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। और इस ईयरफोन में आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। वैसे आपको पता है बोट के जो बेस है 225 मैंने बताया, तो उसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। 1 ईयर की वारंटी मिलती है तो मतलब क्या है, आपके ये पैसा वसूल ईयरफोन है, इसीलिए हमने ये सारे लिस्ट में रखे हैं। तो अगर आप चाहें परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले ईयरफोन की तरफ, जो मेरी लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं वो आते हैं MI के ईयरफोन बेसिक वाले। इसकी जो प्राइस है वो 395 रुपीज है, और ये भी आपको एल साइज में ही देखने को मिलेंगे, एल एंगल में ही देखने को मिलेंगे। और इस ईयरफोन की जो वारंटी है वो कम्प्लीटली 6 मंथ की होती है। अगर आपके 6 महीने के अंदर अंदर ये बेकार हो जाते हैं तो आप फिर से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और आपको पता है MI की ईयरफोन है तो साउंड क्वालिटी और बेस भी काफी अच्छा है, तो अगर आप चाहें तो MI के ईयरफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं जितने भी आपको ईयरफोन बता रहा हूँ उन सभी की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप कोई भी ईयरफोन खरीदना चाहते हैं तो जाकर के इजी तरीके से परचेज
कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले ईयरफोन की तरफ जो मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है और ये इंडियन कंपनी है, काफी ज्यादा अच्छे ईयरफोन लॉन्च कर रही है। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ लीफ मेटल वायर्ड ईयरफोन की। काफी ज्यादा कमाल के इंडियन की कंपनी है और काफी ज्यादा अच्छे ईयरफोन लॉन्च कर रही है। इसमें भी आपको कम्प्लीटली 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है और इसकी जो प्राइस है 499 रुपीज है। बेस भी अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है और काफी ज्यादा कमाल के है ईयरफोन। अगर आप चाहें तो इंडिया के आप फैन है तो जाकर के लीफ के ये ईयरफोन परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले आखिरी ईयरफोन की तरफ जो मेरी लिस्ट में मैंने नंबर 1 पे रखा है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। वो आते हैं Realme Earbuds। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी जो प्राइस है वो 469 रुपीज प्राइस है। जी हाँ फ्रेंड्स, 470 रुपए इसकी प्राइस है। लेंथ वाइड भी काफी ज्यादा कमाल का है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बेस भी काफी ज्यादा अच्छा आता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 11mm के ड्राइवर्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा साउंड की क्वालिटी को अच्छा बनाते हैं। तो अगर आप चाहें तो मेरी लिस्ट में जो नंबर 1 का ईयरफोन है Realme Earbuds, ये जाकर के परचेज कर सकते हैं, आपके पैसा वसूल होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 6 मंथ की कम्प्लीटली रिप्लेस वारंटी मिलती है। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, MI को और Realme को छोड़ करके जितने भी मैंने ईयरफोन 3 और बताए हैं उनमें आपको कम्प्लीटली 1 ईयर की वारंटी मिलती है। ये तो ईयरफोन में आपको कम्प्लीटली 6 मंथ की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप ज्यादा वारंटी वाले परचेस करना चाहते हैं तो वो जाकर के परचेस कर सकते हैं, या आप Realme या MI को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थे 5 ऐसे ईयरफोन जो 500 के अंदर आते हैं। आपको इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप कोई खरीदना चाहते हैं या आपको कोई फ्रेंड खरीदना चाहता है और उसको समझ नहीं आ रहा है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और लिंक मैंने सारी परचेज करने का अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो इजी तरीके से आप परचेज भी कर सकते हैं। जाकर के आपको टाइप करके ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधा लिंक पे क्लिक करेंगे और सीधा ईयरफोन पे पहुंचाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए पसंद आए, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा डालो। मैं मिलता हूं आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड टाइम।